पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी में रहने वाले नगर निगम की लापरवाही से लोग परेशान हैं। सड़कों और गलियों में कीचड़ और जलभराव से परेशान लोग नगर निगम के अधिकारियों को रो रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी हाल ये है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। अब आपको बताते हैं कि मुरादाबाद की हालत को बयां कर रहे हैं ये विजुअल्स। ये है मुरादाबाद का हाल, जिसे स्मार्ट सिटी कहते हैं, लेकिन यदि हकीकत आकी जाए तो नगर निगम की पोल खुलकर सामने आ जाती है। ये हाल है मुरादाबाद के स्मार्ट सिटी का। ये तस्वीरें हैं महानगर की एकता कॉलोनी की। इसी कॉलोनी की निवासी मोनिका विश्नोई की माने तो उनका कहना है कि पिछले 3 महीने से यहाँ के लोगों को जल भराव और कीचड़ से दो चार होना पड़ रहा है। आलम यह है कि पिछले 3 महीने गली की पुलिया टूटी पड़ी है, लेकिन इसे ठीक करना भी यहाँ के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। लोगों का कहना है कि पत्थर नाली में गिर गया, उसे ठीक करने तक के लिए अधिकारियों ने किसी भी कर्मचारी तक को नहीं भेजा। हालात ये है कि यहाँ के कर्मचारी तनख्वाह तो जरूर लेते हैं, लेकिन अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं निभाते। यही वजह है कि यहाँ के लोग अपनी परेशानियों को अब मीडिया के सामने रखने को मजबूर हुए हैं। अच्छा बताइए, क्या परेशानी है यहाँ पे? रोज पानी भर जाता है, बहुत गंदगी रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह में, बहुत परेशानी होती है। ये देखो पत्थर भी गिरा पड़ा है, त्योहार के टाइम पे भी इतना पानी भरा रहता है। फोन करते हैं कोई आता नहीं है, बाजी टाइम फोन भी नहीं उठाते हैं। कब से ये हाल आते हैं, इन्हें तो कई साल हो गए भैया, ये ऐसे ही चल रहा है। और अब तो कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है, बारिश में भी बहुत बहुत पानी भर जाता है। अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं, 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 कोई तैयार नहीं है। गर्म पानी भर जाता है, निकलने को रास्ता नहीं रहता, और दूसरे प्लाटों में निकलने का जाते हैं, बच्चों को दिक्कत पड़ती है, सबकी नालियां खराब, और इसका ये पटना भी खराब कर दिया। गाड़ी आती है तो परेशानी रहती है, कहीं से कहीं खड़ी करनी पड़ती है भैया, और बहुत परेशानी होती है। घर में आएंगे जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। अधिकारियों से कभी बात करने की कोशिश की? अधिकारियों से कई बार करिए, कोई सुनवाई नहीं करता। जी क्या नाम है आपका? मेरा माया शर्मा। अच्छा बताइए परेशानी क्या है? परेशानी है सर, यहाँ से जैसे बच्चे साइकिल लेके आते हैं, मोटरसाइकिल लेके आते हैं, तो इसमें गिर जाते हैं, और वो पटरा गिरा हुआ है, उसे भी कम से कम महीनों हो गया। हाँ वो भी महीनों हो गया, तो उसमें ये समझ लीजिए कोई उठाने नहीं आ रहा। कई बार कहा कि मतलब अपनी वो गाड़ी भेज दो, जीसीबी क्या कहते हैं सर, उसको भेज दो, ये पटला उठवा दो, उसको मतलब उठा देंगे, तभी कोई भी नहीं आया। आपका? अच्छा बताइए परेशानी क्या है? हमें यही परेशानी, हमारे बच्चे आते हैं तो रोज गिर गिर के जाते हैं यहाँ पर, पानी में ड्रेस भी खराब हो जाती है, तो एक बार बच्चे हमारे पीछे भी स्कूल के चक्कर में, तो बताओ हम ऐसा कब तक है? अधिकारी से हमने कहा था, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप सफाई करनी पड़ती है, यहाँ पानी भर जाता है रोड डेली। कभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी है? नहीं, कोई तैयार है, कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं। ये पटला कब से पड़ा हुआ है? 6 महीने हो गए कम से कम। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।